थे। रोजीना कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। तुम अकेले क्यों बैठी रहती हो? सब लोगों में घुल मिल के रहा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। भीड़ अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? शायद भीड़ से डर लगता है। तुम्हें भीड़ से नहीं, उन भेड़ियों से डर लगता है जिनके बीच से तुम होकर आई हो। यहाँ पर हम सब लोग एक जैसे ही तो हैं। बातें किया करो, खुश रहा करो। कोशिश करूंगी। चोट कैसी है? दर्द तो नहीं है ना? इन चोटों में तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ तो उनसे होती है जो मेरे अपनों ने दी है, जो मेरी रूह पर लगाई गई है। क्या आपको भी किसी ने चोट दी है? नहीं तो फिर ये जख्म? हाँ ये बस वैसे ही। तुम परेशान मत हो, और यहाँ पर सब महफूज, तुम भी। क्यों दिन में इसको ख्वाब दिखा रही हो बीबी? और इस जात कहीं महफूज नहीं होती, कहीं पर भी नहीं। सदा माफ करना बीबी, क्या करूं, जिंदगी में सिर्फ तलखियां तो देखी हैं, इसलिए मुंह से सिर्फ तलखी निकलता है। तलखियों में और तलखी डालोगी तो मुंह से शहद नहीं टपकेगा। थोड़ी हिम्मत हौसले की भी चीनी मिलाओ, कभी तो शीरीनी भी टपके इस मुंह से। मुझसे ज्यादा हौसले वाला कौन देखा है तूने यहाँ पर? क्यों, तुझे कभी मैं नजर नहीं आई इस दारुल अमान में? चापलूसी करने वाले लोग कभी बहादुर नहीं होते। सदफ बस फिर तुम लोग आपस में लड़ने लगे हो। माफ करना बीबी, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे से पहले कोई था नहीं ना हमारे फड्डे सुलझाने के लिए। तुम आ गई हो तो नहीं लड़ा करेंगे। बात इस वक्त रोजीना की हो, ये भी हम लोगों में से ही एक है। देखो मैं सारा दिन मार्केटिंग की वजह से बाहर रहती हूँ, तुम लोगों को इसका ख्याल रखना है। बीबी जी तुम बिल्कुल अब बेफिक्र होके जा, रोजीना अब तेरी नहीं मेरी परेशानी। परेशानी नहीं, बहन है अपनी। अरे जिस पर हमारी बीबी मेहरबान हो उस पर सदफ तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। तुम अपनी जान को अपने लिए संभाल के रखो। दुनिया ने हम लोगों की राहों में बहुत से कांटे बिछाए, अब हमें इन कांटों के आगे अपने लिए फूल बिछाना है।